जी टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो भाग्यलक्ष्मी का धमाकेदार प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। इस शो में आने वाला है 7 साल का लीप। 7 साल का लीप का धमाकेदार प्रोमो जी टीवी पर रिलीज कर दिया गया है। तो प्रोमो में हमें क्या कुछ देखने को मिला है और इस शो में आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जी टीवी के सभी शोज को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इस चैनल पर हमें एक शो देखने को मिलता है जिसका नाम है भाग्यलक्ष्मी। इस शो में हमें मेल लीड्स के तौर पर देखने को मिलता है ऐश्वर्या खरे। इस शो में वो लक्ष्मी के रोल में नजर आती है। उनके अलावा इस शो में हमें रोहित सुशांत ऋषि ओब्रे के रोल में और मायरा मिश्रा इस शो में हमें मालिश्का के रोल में नजर आती है। शुरुआत से इस शो की कहानी फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस शो का फर्स्ट एपिसोड हमें 2021 में देखने को मिला था। जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो भाग्यलक्ष्मी में बहुत ही जल्द आने वाला है 7 साल का लीप। इस शो के लीप से जुड़ा हुआ प्रोमो भी जारी कर दिया गया है जी टीवी पर। प्रोमो में हमें देखने को मिल रही है जो लक्ष्मी है वो है पंजाब में। उसके साथ हमें देखने को मिलता है जो लक्ष्मी है उनकी एक बेटी भी हो चुकी है। बेटी का नाम है पार्वती। प्रोमो को बहुत ही ज्यादा अच्छे से शूट किया गया। लक्ष्मी का जो बिल्कुल नया अवतार है वो भी फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। लीप के बाद हमें देखने को मिलेगा जो मालिश्का और ऋषि एक होने वाली है और जो लक्ष्मी है वो अनजान शहर में वो अपना जीवन व्यतीत करने वाली है। तो कहानी में बहुत सारे नई ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं अपकमिंग एपिसोड में। जहाँ पर भाग्यलक्ष्मी की जो टीआरपी है वो तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन कुछ वक्त से भाग्यलक्ष्मी की टीआरपी में हमें बहुत बड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिला था। लास्ट वीक इस शो का टीआरपी 1.4 निकल कर आया था। कुछ हफ्ते पहले इस शो का टीआरपी 1.3 भी निकल कर आ चुका है। तो आने वाले वक्त में इस शो की टीआरपी बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल कर आने की उम्मीद है। तो क्या आप देखते हैं भाग्यलक्ष्मी आपके फेवरेट चैनल जी टीवी पर सोमवार से रविवार रात के 8:30 बजे? कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।